नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं नेशन न्यूज चैनल। और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे उज्जैन की। आपको बता दें कि एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। आपको बता दें कि यहां पर सुबह नागदा रोड पर एक ट्रक चालक ने अपना वाहन लापरवाही पूर्वक चलाते हुए स्कूली बच्चों को ले जा रही तूफान गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी, जिसके बता दें कि यहां पर परिणाम स्वरूप 4 स्कूली छात्रों की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई थी और वहीं कई बच्चे गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती करा दिया था। घटना की जानकारी लगते ही उज्जैन के जिले के प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा ने भी कलेक्टर आशीष सिंह से बातचीत की और घायलों को उपचार के लिए जो है अस्पताल में भर्ती करा दिया था। साथ ही आपको बता दें कि इस दर्दनाक हादसे के बाद से इलाके में शोक की लहर तोड़ गई है। हम लोग का पहला प्राथमिक उद्देश्य यह है कि सभी बच्चों को इलाज मिल जाए। और जैसा कि कलेक्टर साहब ने आपको बताया कि सभी अभी हो गए स्टेबल, 4 बच्चों की असमायिक मृत्यु हुई है। जहाँ तक कानूनी उसका पहलू है, उसके हम समग्र पर पहलुओं पर जांच कर लेंगे और सबसे कार्रवाई की। ये आज उन्हेल नागदा मार्ग पर एक दुखद हादसा हुआ है, जिसमें जो स्कूली बच्चे जा रहे थे तूफान गाड़ी से, उसका एक ट्रक से एक्सीडेंट हुआ और उसमें अभी तक जो जानकारी हमको मिली है उसमें 4 बच्चों की दुखद मृत्यु हुई है और इसके अलावा 11 बच्चे जो हैं जिनका ट्रीटमेंट अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है, उज्जैन आर्थो में, संजीवनी में, बॉम्बे हॉस्पिटल में और इसके अलावा जो जनमेजय अस्पताल है नागदा में, उसमें चल रहा है। जो भी ट्रीटमेंट जहाँ जहाँ भी चल रहा है, लगातार हम लोग टच में हैं और सभी हॉस्पिटल प्रबंधन से, डॉक्टरों से हमारी बातचीत हो रही है। बहुत भली बात ही इलाज सभी का हो जाए, ये हमारे द्वारा सुनिश्चित किया जा रहा है। और दोनों गाड़ियों के जो ड्राइवर हैं उनको लेके कस्टडी में ले लिया गया है। जो भी कानूनी कार्रवाई होगी आगे करी जाएगी। अभी